नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइमेगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने आपको एक बताया था कि कैंडलस्टिक का एक सीरीज बनाना चाहता हूँ मैं। जैसे बहुत लोगों को पता भी है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कैसे किया जाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, लॉन्ग दोजी, ग्रेवस्टोन दोजी, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं और सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतने सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे कि दो ही मेन है इसमें, एक हैमर और एक इन्वर्टेड हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा, सिंपल चीज़ है, और इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा। अब ये दोनों को ये ऐसा हुआ तो अलग नाम, हर मतलब ये दोनों को ही सब देखा जाता है लेकिन हर बार अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हैमर जैसे हम लोग घर में हथौड़ा देखते हैं वैसे ये कैंडलस्टिक दिखाई देती है, जिसमें आपको ऊपर की साइड में बॉडी रहती है, ग्रीन बॉडी या तो रेड बॉडी रहेगी, उसको हैमर बोला जाता है। और अगर उसको उल्टा करेंगे तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। लेकिन यही इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप में रहेगा तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बोली जाती है। लेकिन हमको, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सिर्फ दो ही नाम याद रखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ये शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन दोजी, ये वो लॉन्ग लेग दोजी, दोजी सब भूल जाइए। और दो चीज़ों और दो जी, ये तीन तीन के ऊपर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये हैमर और उल्टा हैमर। जैसे कि मैं ये आपको बोलूँगा, यहाँ पे आप उल्टा उल्टा करके, उल्टा हैमर करके इसको याद रखना। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, एक मिनट, अभी हैमर जब रहता है, मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा, एक 5-10 मिनट जाएगा इसमें। एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक, बुलिश हैमर क्या होता है कि जैसे ये क्लोजिंग प्राइस, ये हैमर जो है, ये हैमर में ये एक वीक है, ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर होने की वजह से ये आपको ग्रीन बॉडी दिखती है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, फर्स्ट थिंग तो कैंडलस्टिक में ओपन लेफ्ट साइड में रहता है और क्लोजिंग राइट साइड में रहती है, मतलब ये ओपन रहता है और ये क्लोज रहता है। और जब क्लोज ओपन के ऊपर रहेगा तो ये बॉडी जो है ये आपको ग्रीन दिखेगी, और जब ओपन के नीचे क्लोज रहेगा तो ये बॉडी आपको रेड दिखेगी। आप समझ गए? तो ये एक सिंपल तरीका है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, ओपन, और ये हाई है, तो ये बुलिश कैंडल हो गई, बुलिश हैमर हो गई। और यहाँ पे ये ओपन है और ये हाई है, ये क्लोजिंग है, तो ये जो है हाई नहीं, हाई और क्लोजिंग एक साथ आया है। यहाँ पे, यहाँ पे ये क्लोजिंग नीचे आया है ओपन की वजह से, ये रेड कैंडल हो गया और ये शेडो हो गई, इसको शेडो बोलते हैं। नीचे के साइड में जो भी हथौड़े का जो लकड़ा रहता है उसको शेडो बोलते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में बात बता रहा हूँ। और ये लो रहता है, ये भी लो है, ओके। अब तीसरी बात, ये ओपन क्लोजिंग, ये वीक, एक्चुअली नाम दिया जाता है वीक, लेकिन हम लोग बोलते हैं लकड़ा, उसका डंडा जो है उसको वीक बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बेरिश हैमर कैंडल है, बेरिश इसके लिए है कि यहाँ पे ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है और ये रेड हुई है, ठीक है। इसके बाद ये बेरिश इन्वर्टेड हैमर है, मतलब उल्टा कर दिया उसको, तो क्या होगा, तो ओपनिंग यहाँ पे है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ,
बोलता हूँ कि ये ओपन है लेफ्ट में और क्लोजिंग राइट में है, तो क्लोजिंग जो है यहाँ पे नीचे आई हुई है ओपनिंग के नीचे, इसके लिए ये रेड बॉडी हो गई है। ओके, तो ये उल्टा इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद ये सीधा हैमर हो गया, बुलिश हैमर कैंडल हो गया, जिससे ओपनिंग ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे आया, तो ये बुलिश हैमर कैंडल हो गई। ओके, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे ये कैंडल को ग्रेव स्टोन बोलते हैं, जिसमें हैमर जैसे ही दिखती है, लेकिन ग्रेव स्टोन इसके लिए बोला जाता है कि जैसे कि आप देखेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो ये रहता क्रॉस रहता है, वो क्रॉस की तरह ये कैंडल लेती है, और कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो भी एक्सपायर्ड हुआ जाता है उसका जो वहाँ पे ये ग्रेवस्टोन लगाया जाता है, एज ए ग्रेवस्टोन करके यूज़ किया जाता है, इसके लिए इसका नाम ग्रेवस्टोन दिया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी कैंडल हैं उनको एक ही नाम दो यार, आप सिर्फ हैमर का ऊपर नीचे कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, और अलग अलग नाम दे के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। उससे अच्छा आप ये इसको इन्वर्टेड हैमर बोलो, ग्रेवस्टोन छोड़ दो। लॉन्ग लेग बोलेगा तो बीच में है, ये इधर लॉन्ग लेग है, और ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलेगा तो हैमर ही है, लेकिन क्या बोलो अभी, इसमें ड्रैगन फ्लाई दोजी का नाम का कोई संबंध है नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। अगेन यहाँ पे ये जो है ये दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल का मतलब ये है कि जहाँ पे ओपन हो जाता है वहाँ पे ही क्लोज ऑलमोस्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। अभी इसके पीछे ये यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी क्लोज है। अभी ये एक्चुअली इसका मैं वर्किंग बताता हूँ थोड़ा, एक मिनट, ये पहला ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वर्किंग बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा आप देखेंगे बॉटम में इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है, ये जो उल्टा हैमर हुआ है उसको, और वही उल्टा हैमर अगर टॉप में रहेगा तो उसको शूटिंग स्टार बोला जाता है। बस इतना ही है, फर्क कुछ नहीं है। मैं इसके आगे आपको रेफर करते वक्त सिर्फ उल्टा हैमर बोलूँगा। सेम चीज़ अगर हैमर रहेगी बॉटम में तो उसको हैमर बोला जाता है, वही हैमर अगर टॉप में रहेगी तो उसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। तो मैं आगे से आपको रेफर यही करूंगा, मैं सिर्फ हैमर ही बोलूंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, हैंगिंग मैन नहीं, शूटिंग स्टार नहीं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा और हथौड़ा, बस ये दो ही नाम आपको इसके आगे मैं जितना भी सीरीज रहेगा उसमें आपको यूज़ करने वाला हूँ। ओके, इसके बाद आप देखेंगे वही, अभी जैसे कि इसमें इन्वर्टेड हैमर है तो ओपन हाई लो बताया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे, अभी ये दोजी कैंडल, दोजी कैंडल ही है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, नो रियल बॉडी, इसमें कुछ बॉडी नहीं है, इसमें थोड़ी सी बॉडी है, वाटर थिन रियल बॉडी, बस इसकी वजह से इन लोग दूसरा नाम देने को रेडी है। तो वो हम लोग वो सब सिंप्लिसिटी लाएंगे। अभी ये जो है यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना ये ड्रैगन फ्लाई दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी में क्या होता है कि ओपन हाई और क्लोज ऊपर की तरफ रहता है, और ग्रेवस्टोन दोजी में क्या होता है कि ओपन लो और क्लोज नीचे की तरफ रहता है।
तो बस इतना ही है, नाम अलग अलग दिए जाते हैं, है तो सेम ही है। इसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर है, वही चीज मैंने आपको बताई हुई है। हाँ, अभी इनका वर्किंग कैसे होता है, इनका वर्किंग मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, ये हैमर जो रहता है, ये हैमर का शेप ऐसा है, ये मेरा थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं आएगा, आप थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए। बताने की बात ये है कि यहाँ पे ये ओपन रहता है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। हाँ, ये हैमर, सॉरी। तो अभी इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब भी हैमर बनता है तो मूवमेंट कैसे होता है कि पहले यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल है समझो, या तो ये दिन का, एक डे का कैंडल है। एक डे का कैंडल में क्या होता है कि यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद नीचे आ जाती है मूवमेंट, मूवमेंट नीचे आने के बाद थोड़ी ऊपर जाती है, हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद यहाँ पे बंद हो जाती है। तो ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे बना, क्लोज हाई यहाँ पे बना और क्लोज यहाँ पे बना। तो अभी इसको हम लोग कैंडल स्टिक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हाई बना, ये लो बना, ये ओपन यहाँ पे बना, ये ओपन बना और ये क्लोज बना। तो यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी आ गई, आप समझ गए, और ये हैमर बना। अब इसमें क्या हो जाता है कि हैमर में ये ओपन बन गया, ये क्लोज बन गया। अब इसमें हैमर देखते ही हमको ये पता चलता है कि ये कैंडल में सेलर्स जो है और बायर्स जो है इनकी थोड़ी सी मारामारी हो गई है, और इसमें जीत किसकी हो गई है, तो बायर्स की हो गई है। अब जैसे कि यहाँ से ये सेलिंग आ गई जोर से और वापस ऊपर की तरफ आके बंद ओपन के ऊपर दे दिया, तो ये ग्रीन बॉडी हो गई। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, हाँ, तो ये ग्रीन बॉडी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गई मूवमेंट और ऊपर की तरफ जाके बंद हो गई, तो ये ग्रीन बॉडी हो गई। ये ग्रीन बॉडी होने की वजह से क्या हो गया कि जो सेलर से उनसे ज़्यादा स्ट्रांग बायर है, ये दर्शाता है ये हैमर। तो हैमर ऑलवेज ये दर्शाता है, भले वो बेरिश हो या बुलिश हो, लेकिन हैमर ये दर्शाता है कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो थोड़े से दबे हुए हैं और बायर्स जो है एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप आराम से सुनो कि बायर्स जो है वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिव हो गए करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्टिव हो जाएंगे, तो एक्टिव होने की कोशिश करें। इसके बाद आपको एक मिनट, अब इसमें क्या हो जाता है कि इन्वर्टेड हैमर में क्या हो जाता है कि जैसे यहां पे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाने के बाद मतलब ये बायस बहुत अच्छी कोशिश करते हैं ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन जोर से नीचे आ जाता है और यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये बॉडी बन जाती है, ये क्लोज हो जाता है, तो ओपन और क्लोज के बीच में ये बॉडी बन जाती है। तो इसमें क्या दर्शाता है, यहाँ पे बायस
ज़्यादा सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो इन्वर्टेड हैमर जो रहता है उसमें हमको ये दिखाई देता है कि इसमें इन्वर्टेड हैमर में सेलर स्ट्रांग है और हैमर में बायर स्ट्रांग है। तो उल्टा हथौड़ा जो है इसमें सेलर स्ट्रांग रहता है और सीधा हथौड़े में बायर स्ट्रांग रहते हैं। ये सिंपल चीज़ है, हमको ये दोनों को याद रखना है। आगे हमको ये रेफरेंस में यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बताया वो कि ये हैमर है, यहाँ पे सीधा हथौड़ा है, इसमें बायर स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या हो गया है कि पहले ओपन यहाँ पे हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाके बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये बॉडी बन गई है और यहाँ पे ये जो है हैमर बना है, तो इसमें बायर स्ट्रांग हो गए। ठीक है, अब जैसे कि इसके बाद ये दोजी कैंडल क्या बताता है। दोजी कैंडल ये बताता है कि ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे मारामारी हो गई, जैसे कि नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया और वहाँ पे ही आके बंद हो गया, तो क्लोज भी वहाँ पे ही हो गया। तो डायरेक्शनलेस दोजी कैंडल जो है वो डायरेक्शन नहीं बता पाती है कि इसमें बायर्स और सेलर्स जो है इक्वल है। यहाँ पे 50-50 गेम है भाई, हमको पता नहीं कहाँ पे जाएगा। तो ये दोजी कैंडल जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। सेम चीज़ फिर वो रेड हो या ग्रीन हो, ओपन और क्लोज करीबन दोनों साथ साथ में रहते हैं, तो इसके वजह से ये दोजी कैंडल जो है इस कोई डायरेक्शन नहीं दिखाती है। तो इसको हम लोग दोजी बोलेंगे जो कन्फ्यूजन करने वाली कैंडल है। तो तीन ही कैंडल इम्पोर्टेंट है कि ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर और दोजी। अभी जैसे कि ग्रेवस्टोन दोजी, शूटिंग स्टार, ऐसे अलग अलग नाम जो दिए हैं वो नामों की हमको कोई ज़रूरत नहीं। ये तीन कैटेगरी हैमर, इन्वर्टेड हैमर और दोजी, ये तीनों को ही हमको देखना है। अभी मैं आपको ये तीनों को, जैसे कि आज का हेडिंग मैंने बताया हुआ है, आज का हेडिंग मैंने क्या बताया है कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम। अभी हैमर और इन्वर्टेड हैमर को बॉटम में कैसे देखा जाता है, अब मैं आपको एक्चुअल चार्ट पे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट में मैं आपको थोड़ा सा पीछे में देखिए, यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल हैं। ये जो है यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये इसको हैमर बोलते हैं। अभी आप देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये शूटिंग स्टार बोला जाता है, तो इसको मैं बोलूँगा उल्टा हैमर है, ओके, इन्वर्टेड हैमर। अब टॉप में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हो गया, टॉप में ये इन्वर्टेड हैमर हो गया और वहाँ से जब सेलिंग चालू हो गई, सेलिंग के एंड में ये आपको इधर हैमर दिखाई दिया। अब जैसे इसके बीच में भी आपको आप देखेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर आया, यहाँ पे एक ही इन्वर्टेड हैमर आया, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है बीच में ये रूटीन में आपको नीचे नीचे स्टॉप लॉस लाने के लिए यूज़ हो जाएंगे। जो इन्वर्टेड हैमर है या हैमर बन के अगर वो टूटते हैं तो आपको वहाँ से कैसे देखना है वो भी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम जाने दो। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ये इन्वर्टेड हैमर जो है वो टॉप में बनता है, बॉटम में भी बनता है। जैसे कि यहाँ पे हैमर बना, वैसे ही यहाँ पे इसके बाजू में ही आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर भी बना। ये देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर बना। तो इसको कैसे देखना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको अभी सिर्फ एग्जांपल बताता हूँ कि टॉप में और बॉटम में ये कैसे देखा जाता है। जैसे कि हैमर और
इन्वर्टेड हैमर, अभी यहाँ पे देखिए ये दोजी कैंडल बनी हुई है, आप इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो इसमें, कि इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है और वो टॉप भी है, टॉप भी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी हैमर बना है, ये बॉटम है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी रैली आ गई है, और यहाँ पे देखिए ये आपको अच्छा एक हैमर दिखाई दिया। तो बॉटम में आपको ऑलवेज हैमर दिखाई दिए देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि बायर जो है एक्टिव हो जाते हैं। इसका फर्स्ट सिग्नल हमको कैंडलस्टिक से पता चलता है। कैंडलस्टिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी सिस्टम यूज़ करो, जो भी रहेगी, कैंडलस्टिक आपको पहला बाय देगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे दो हैमर बना हुए हैं, और दो हैमर के वजह से ये बॉटम अच्छा बना, और यहाँ से अगर आप देखते हो तो इतनी बड़ी तेज़ी आपको मिली है। एक बार आपने ये लोकेट किया कि ये दो हैमर हुए, और यहाँ से फिर कैसे बाय करना है मैं आपको बताऊँगा, इसके आगे के रूल्स आपको नए वीडियो में बताऊंगा। आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर कहाँ कहाँ पे देखते हैं। तो ये हैमर हो गए, ये बॉटम में हैमर हो गए, ये बॉटम में इन्वर्टेड हैमर भी हो जाता है, जैसे कि मैंने ये भी इन्वर्टेड हैमर है, देखिए ये भी इन्वर्टेड हैमर है। आप बॉटम भी पकड़ो तो आप यहाँ पे भी देखिए ये दो हैमर बन गए। एक अच्छी सेलिंग आने के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सेलिंग एक कंटिन्यू है, सेल ट्रेंड है। सेल ट्रेंड में आपको यहाँ पे भी देखो बॉटम में एक हैमर बना, ये भी एक हैमर है। आपको हर वक्त कहीं ना कहीं पे बॉटम में हैमर दिखाई देगा, और वो हैमर का इम्पोर्टेंस रहेगा, और वो बहुत टाइम तक वो इम्पोर्टेंस रहता है। अभी जैसे कि ये डेली चार्ट है, निफ्टी का ही डेली चार्ट है, निफ्टी के डेली चार्ट में तो ये कंटिन्यूस बनते रहता है। आप देखेंगे देखो ये जो बॉटम बना था, यहाँ पे पहला दोजी कैंडल बना और ये हैमर बना, तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्ट हैमर बना। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए टॉप में एक हैमर बना था। टॉप में हैमर को कैसे ट्रीट करना है वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बॉटम में हैमर को कैसे ट्रीट करना है वो भी अलग से मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा, बॉटम में इन्वर्टेड हैमर को कैसे ट्रीट करना है वो भी अच्छी तरह बताऊंगा, और रनिंग में जो भी रहते हैं, जैसे कि रनिंग में, अभी जैसे कि रनिंग में यहाँ पे बीच में ही इन्वर्टेड हैमर हो जाता है, एक तेज़ी शुरू होने के बाद इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, उसको कैसे ट्रीट करना है। अभी ये देखिए ये तेज़ी शुरू हो गई, हैमर बन गया, इसको कैसे ट्रीट करना है उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए अभी जो निफ्टी 16,800 से घूमी हुई है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे बॉटम में एक अच्छे खासे हैमर बने थे, और तीन हैमर बने थे, और वहाँ से एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम दिखाई दी। यहाँ से जब ये जोर से शुरू हो गया था तेजी, वहाँ पे भी आप देखेंगे ये मोमेंटम बना था, यहाँ पे भी एक हैमर बना था। जहाँ जहाँ पे रिट्रेसमेंट में आपको निफ्टी दिखेगी और बॉटम होते हुए दिखेगा, वहाँ पे आपको हैमर कैंडल जरूर दिखाई देगी, क्योंकि वो सिग्नल सिग्नल करती है, फर्स्ट इंडिकेशन देती है कि वहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निफ्टी टॉप में यहाँ पे हैमर बन गई। अब इसको हैंगिंग मैन बोलते, लेकिन ये हैंगिंग मैन जो है उसके ऊपर एक कैंडल गई, लेकिन ये कैंडल जाने के बाद वो नीचे की तरफ जब आई तो हैंगिंग मैन एक्टिव हो गया। तो इसको कैसे ट्रीट करना है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अब भी रनिंग में यहाँ पे ये हैमर बना है, इसको कैसे ट्रीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब चार पांच तरीके हैं, बॉटम में, रनिंग में, टॉप में, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, दोजी, इनको कैसे ट्रीट करना है। इसके बाद दोनों का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे कि हैमर भी हुई और इन्वर्टेड हैमर भी साथ में हुई, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। हैमर का प्रीवियस कैंडल को कैसे देखना है, हैमर के नेक्स्ट कैंडल को कैसे देखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको डिटेल में कुछ चीज़ें एक स्पेसिफिक करके बताऊंगा, जिसके वजह से आप एक अच्छा बाइंग सेटअप बना सकते हो और वहाँ से आप काम कर सकते हो मिनिमम रिस्क में। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।